दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के ऊपरी हिमालय में अमरनाथ गुफा मंदिर के पास शुक्रवार को बादल फटने से 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 अन्य लोग घायल हो गए हैं। सूत्रों ने बताया है कि कुछ लंगर और टेंट बादल फटने की चपेट में आ गए हैं, तो वहीं अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 लोग घायल हो चुके हैं। घटना के बाद ही पुलिस ने NDRF और सुरक्षा बलों द्वारा एक संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया है। प्रशासन ने सेना और स्वास्थ्य अन्य विभागों द्वारा स्थापित हेल्पलाइन नंबर पर भी बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। जी मैं शुभम गर्ग हूँ, मैं घटना स्थल पे था। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है। एक मिनट की देरी से मैं बस बच गया, एक मिनट से। मेरा जिधर दुकानदार भागा मैं उसी के पीछे पीछे भागा। इतनी भगदड़ थी, इतना कुछ था। उधर कोई बादल बुदल नहीं फटा, सब बुरी खबर है। उधर एक वो झरना है बर्फ वाला, तीन झरने बने हुए हैं। एक झरना इधर था मिट्टी वाला, दूसरा था बर्फ वाला, तीसरा था मिट्टी वाला। जो दूसरा झरना था बर्फ वाला, वो बड़ी तेजी से आया है नीचे। वो पानी के बहाव से इतनी तेजी से आया, उसी के पत्थर पुत्थर गिरे। उधर बहुत सारे लोग हैं, बालटाव का रास्ता तो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। फिर भी मैं कैसे भी सफर करके रात में बिना रुके आया हूँ यहाँ पे। मैं बिना सोए बिना कुछ किए 16 किलोमीटर बालटाव का रास्ता पार करके आया, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा खतरा भी थी, बहुत ज्यादा। जो मंजर मैंने देखा वो कोई ना देखे कभी भी, बहुत बुरा हाल था। पत्थर पुत्थर गिरे हैं सब कुछ। टेंट में जो लोग रेस्ट कर रहे थे वो भी बह गए, साथ में एक दो टेंट वाले भी बह गए हैं, एक दो घोड़े स्थल वाले बह गए, एक आर्मी ऑफिसर भी बह मेरे सामने। और एक का तो ये बुरा हाल था, एक लड़की के दो माँ बाप दोनों बह गए। बेचारी वहां रो रही थी, आर्मी ऑफिसर वाले को उनको छोड़ के आए हैं लड़की को। इतना बुरा हाल कि अभी भी डर मन में मेरे है, मेरे को पता है क्या हुआ है, मेरे साथ अभी भी बीत रही है। फिर भी उधर इतना चहल पहले के पूछ मत। पंचतरणी पे कुछ लोगों को रेस्ट करने के लिए रोका गया है, लेकिन उधर अभी भी ऊपर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग।